एक गाना है, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। कई बार हम युवा लोग जो शहरों में काम करते हैं, वी कीप ऑन थिंकिंग कि आज ये टारगेट है, कल ये टारगेट होगा, आज ये अचीव करना है, कल ये अचीव करना होगा। हम बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना चाहते हैं, हम देश विदेश के अलग अलग कोनों में घूमना चाहते हैं, जिंदगी को जीना चाहते हैं, एंड वी थिंक दिस इज लाइफ। वी हैव अ स्केड्यूल ऑफ 9 to 5, वी हैव अ स्केड्यूल ऑफ 9 to 6, एंड समटाइम्स वी वर्क बियॉन्ड स्केड्यूल्स। एंड नाउ इन द एज ऑफ व्हाट्सएप, वी आर ऑलमोस्ट 24 hours कनेक्टेड विद आवर वर्क। देयर डिफरेंट ग्रुप्स, वर्क प्लेस ग्रुप्स, देयर डिफरेंट सेक्टर ओरिएंटेड ग्रुप्स, बट सम हाउ वी आर मिसिंग द रियल लाइफ। हम अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, पूछते हैं हालचाल, कैसे हैं आप। मैं अभी गांव में रहता हूँ और कुछ समय पहले तक आई यूज टू लिव इन बैंगलोर, और वहाँ से अपने माँ बाप को कॉल करता था, कैसे हो, क्या चल रहा है। और मुझे लगता था कि सब कुछ बेहतर है और शायद ऐसा ही चलता रहेगा। तो मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए जाता था, मैं बहुत सारा ट्रैवल करता था और अपने करियर पे बहुत फोकस था। बहुत अर्ली स्टेज में सीईओ बना, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज किया, फंड रेजिंग में रिकॉर्ड्स बनाए, एक्सपेंशन में रिकॉर्ड्स बनाए, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट हुआ, टॉप के स्कोर्स हासिल किए कई सब्जेक्ट्स में, बट मेरे फादर की गुजर जाने के बाद ये एहसास हुआ कि कैसे जिंदगी को हम शायद नहीं जी रहे हैं। शायद हमने अपने करियर को, अपने एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटी दे दी है कि जो ज़िंदगी के बहुत और हिस्से हैं उनको हम भूल गए हैं। जैसे अभी मैं वापस जब गांव में आया तो आई रियलाइज दैट दे आर डिफरेंट चैलेंजेस एट विलेज लेवल। और फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव टू बाय अ स्मॉल थिंग, आपको जाना है कहीं, इट्स नॉट लाइक वो आपके घर पे डिलीवर होगा। इवन इफ़ यू हैव अ साइकिल, इफ़ यू हैव टू रिपेयर इट, उसके लिए भी कहीं जाना है। आप जब रोड क्रॉस कर रहे हो, यू हैव टू बी मोर कॉशियस, बिकॉज यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद ड्राइविंग सीख कर ड्राइविंग लाइसेंस लिया है। रफ ड्राइविंग है, अगर आपको चोट लग गई तो बहुत कोई अच्छा हेल्थ केयर की शायद सुविधा नहीं होगी जहाँ पे इलाज हो पाए। आपको फ़ोन रिचार्ज करना है अपना, तो यू नीड समबडीज हेल्प टू रिचार्ज इट। आपके घर में जो पर्दा टांगने वाला है वो अगर टूट जाता है तो यू नीड टू किसी को बुलाना पड़ेगा, उसके लिए कहीं को जाना पड़ेगा, बुला के लाना पड़ेगा तो बनाएगा।
इवन छोटे छोटे ऑपरेशनल चीज़ें हैं। एंड आई वॉज थिंकिंग कि 70-80 साल के जो बुजुर्ग रह रहे हैं गाँव में, वो कैसे कर रहे हैं, या शहरों में भी अगर है तो कैसे कर रहे हैं, हाउ दे आर मैनेजिंग लाइफ। और हम कहीं बैठ कर एक फ़ोन करते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है पापा, हाँ मम्मी सब कुछ ठीक है, तो शायद हम बहुत पैसा कमा लें, शायद हम हार्वर्ड से या प्रिंसटन से या ऑक्सफोर्ड से या NUS से टॉप की डिग्रीज ले लें, बट क्या ये सब कुछ आपके पेरेंट्स को रिप्लेस कर सकता है? शायद नहीं। सोचिएगा इसके ऊपर एंड थिंक कि हम ये बैलेंस कैसे लाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को छोड़िए और आइए, हम बैलेंस कैसे लाएं। मेरा ये कहना है कि फ़ोन बहुत अच्छी चीज़ है, हम उसमें गाने सुनते हैं, बातचीत करते हैं, वीडियो कॉल्स होती हैं, बट बहुत ज़रूरी है इन पर्सन टाइम बिताना। हम उस जूम की तरह होते जा रहे हैं जहां हम सबके के बॉक्सेस बने हुए हैं, बट उस बॉक्स से निकलना है। हम बहुत सारे डिस्कशंस का हिस्सा हैं, क्या ज़रूरी है सारे डिस्कशंस का हिस्सा होना? हम बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं, क्या ज़रूरी है वो सब करना? हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ईमेल्स लिखते हैं, क्या ज़रूरी है वो सब करना? हम बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फ़ोन कॉल्स करते हैं, बट क्या ज़रूरी है वो सारे फ़ोन कॉल्स करना? हम बहुत सारा एक्सप्लोर एडवेंचर के नाम पे ट्रैवल करते हैं, क्या ज़रूरी है वो सारी चीज़ें करना? सो थिंक ऑन दैट, आप लोग इस पे सोचिए। या ये ज़रूरी है कि अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन बिताया जाए, हर हफ्ते ना सही हर महीने कुछ तो कुछ पल गुजारे जाए? सो थिंक ऑन दैट। शायद ज़िंदगी को जीने के बहुत सारे मायने मिल जाएं। यकीन मानिए ये खुशी आपको किसी भी डिग्री, किसी भी पोजीशन, किसी भी सैलरी से कई गुना ज़्यादा होगी। अच्छी एजुकेशन लीजिए, अच्छी तनख्वाह कमाइए, अच्छी पोजीशन पे जाइए, बट डू स्पेंड टाइम विथ योर पेरेंट्स। और ये एहसास शायद उन सभी लोगों को होगा जिनके पास उनके पेरेंट्स नहीं हैं, चाहे वो आपके माँ हो, आपके पापा हो। कई बार आपको लगेगा कि इवन इफ यू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप ये बताओगे किसको, विद हुम यू विल शेयर दिस कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गए हो? लॉट ऑफ पीपल चेजिंग आई एम सीनियर मैनेजर, आई नीड टू बी मैनेज लाइक हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आई नीड टू बी अ CEO, आई नीड टू बी ग्लोबल CEO। कभी घर में भी मैनेजर बन जाना है, कभी घर में भी प्रोजेक्ट ऑफिसर बनना है, कभी घर में भी CEO बनना है। तो बहुत ज़रूरी है हम अपने घर में भी समय बिताएं, बिकॉज शायद ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी और जाएंगी, लेकिन आपके पेरेंट्स
एक बार गए तो दोबारा नहीं आएंगे। तो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रहिए, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते रहिए, लेकिन ये सोचिए कि ये समय अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बिताएंगे तो क्या हो सकता है। सारी डिजिटल चीज़ें आज नहीं कल नहीं सालों बाद भी एक्सेस हो सकती हैं। कोई ऐसा कम्युनिकेशन 99% केसेस में ऐसा नहीं होता है जनरली जिसके बिना जिंदगी रुक जाती है। तो अपने आप को भी, एक जो नया टर्म निकला है डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स मत करिए, बट मैं ये कहूँगा अपने पेरेंट्स से उसके बदले कनेक्ट करिए। छुट्टियाँ फॉरेन में बिताने ज़रूर जाइए, लेकिन उसका एक अच्छा हिस्सा जो है छुट्टियों का अपने पेरेंट्स के साथ भी बिताइए। और जब आप अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं तो कि छोटी छोटी जो चैलेंजेस हैं उनको देखिए, उनको समझिए। ट्रस्ट मी, लाइफ विल बी मोर ब्यूटीफुल। कभी उसका स्वॉट एनालिसिस करें। इसी के साथ फिर कुछ दिन बाद आप लोगों से मुलाकात करूंगा। और हाँ, एक आखिरी में, आप अपने मोबाइल में जो अपने ऑफिस के ईमेल्स वगैरह भर के रखते हैं इनको हटाइए। ज़िंदगी में बहुत मुस्कुराहट आएगी। धन्यवाद।